WordPress क्या है? WordPress is an ecosystem. इस WordPress ecosystem का part कौन लोग हैं? इस WordPress ecosystem का part आप हैं. इस WordPress ecosystem का part मैं हूँ. इस WordPress ecosystem का part हमारे users हैं, जिनके लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं. इस ecosystem में पैसे बनाने के बहुत different और amazing तरीके हैं, जिनमें से एक है कि आप प्लगइन्स को बना के आप भेज सकते हैं और उससे आप पैसे बना सकते हैं. सो क्वेश्चन वही आता है कि दोबारा थोड़ा सा सोचते हैं और देखते हैं कि प्लगइन्स आखिर हैं क्या. अभी तक आई एम अज्यूमिंग कि आपने अपने इस वर्डप्रेस के जर्नी में बहुत सारे डिफरेंट तरह के प्लगइन्स को ट्राई किया होगा. प्लगइन्स करते क्या हैं? जैसे थीम्स let us change the appearance of a website, वैसे plugins allow us to plug in a new functionality. Plugins हमें allow करते हैं कि हम एक नई तरह की functionality को website में add कर सकें. And we can do it very easily using WordPress. So they are bits of software which you can add to your site to change the functionality of your site. आपने सोचा कि अगर प्लगइन्स इतने ज़्यादा आप यूज़ करें तो कोई ना कोई तो वहाँ पे होगा बाहर जो इन प्लगइन्स को बनाएगा या बना रहा होगा. सो यू हैव हिट द नेल ऑन द स्पॉट बिकॉज येस देयर आर पीपल हु मेक वर्डप्रेस प्लगइन्स एंड दोज आर नोन एज वर्डप्रेस डेवलपर्स या वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपर्स. बेतहाशा अनगिनत ऐसे वर्डप्रेस के प्लगइन्स हैं जो कि फ्री हैं, जिनको आप, मैं, बल्कि एवरीवन आउट देयर यूजेस ऑन देयर वेबसाइट ऑन अ डेली बेसिस. अब इसी तरह जब इतने ज़्यादा प्लगइन डेवलपर्स हैं या प्लगइन्स हैं तो कोई ऐसे भी उनमें से लोग होंगे जो कि इन्हीं प्लगइन्स को एक प्राइस के लिए बेचते होंगे या प्राइस के लिए सेल करते होंगे. दे आर द वर्डप्रेस हीरोज़ बिकॉज दे आर इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ वर्डप्रेस यूज़र ऑल अराउंड द वर्ल्ड. एक इसी तरह का हीरो मैं आपसे मिलवाना चाहता हूं जिसका नाम है मोहम्मद अदनान. और मोहम्मद अदनान एक पाकिस्तानी है आपकी और मेरी तरह, जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए एक ऐसी कंपनी बनाई जिसने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डाउनलोड्स ली यूजिंग द प्लगइन्स दैट दे आर ऑफरिंग, जिनमें से कुछ फ्री हैं और कुछ पेड हैं. अदनान की इस कंपनी का नाम है WP ब्रिगेड. जिस तरह फायर ब्रिगेड होती है इसी तरह वर्डप्रेस ब्रिगेड, WP ब्रिगेड इज़ द नेम ऑफ अदनान्स कंपनी. एंड दो इनके प्लगइन हैं विच आर वर्थ मेंशनिंग हियर. द नंबर वन प्लगइन इज कॉल्ड एनालिटिफाई. एनालिटिफाई जिसको आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, एनालिटिफाई अलाउज यू टू एड अ गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉलेशन टू योर वर्डप्रेस वेबसाइट. और इनका जो दूसरा प्लगइन है वो आपको अलाउ करता है कि आप अपनी साइट पे लॉगिन की एक स्क्रीन को चेंज कर सकें या डाल सकें. और इस प्लगइन का नाम है लॉगिन प्रेस. एंड बोथ दीज प्लगइन्स आर फ्री प्लगइन्स. बट इट्स व्हाट्स इम्पॉर्टेंट बिहाइंड द सीन. सो एनालिटिफाई के अगर आप प्रो वर्जन को यूज़ करेंगे सो यू हैव टू पे अ लिटिल अमाउंट ऑफ मनी. और इसी तरह वर्डप्रेस प्लगइन्स का बिजनेस मॉडल भी सर्वाइव करता है. और इसी तरह अदनान जैसे डेवलपर्स, पीपल लाइक योरसेल्फ, पीपल लाइक मी, पाकिस्तानी पीपल आर मेकिंग मनी बाय सेलिंग वर्डप्रेस प्लगइन्स. तो क्वेश्चन जो शायद आपके जहन में आए कि हाउ कैन वन मेक मनी बाय मेकिंग प्लगइन्स, भाई बंदा कैसे पैसे बना सकता है, तो उसके लिए एक तो छोटी सी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको PHP या MySQL का आना ज़रूरी है, जो कि आई एम अज्यूमिंग के काफ़ी जो ये हमारा कोर्स इस वक्त लाइव देख रहे हैं, ले रहे हैं, उनको नहीं आता होगा बिकॉज दिस इज़ एन एडवांस लैंग्वेज एंड एडवांस स्किल.
So I would recommend only those of you who are skilled in the languages PHP and MySQL to explore the art of making plugins and start selling them. जो दूसरी चीज़ आपने करनी है वो ये है कि आपने WordPress की documentation को ज़रा detail में जाके study करना है, क्योंकि अगर आप documentation को study नहीं करेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि WordPress का plugin कैसे बनाते हैं. और ये याद रखिएगा कि every new plugin is not a hit plugin. So ये नहीं कि आप एक plugin बनाएंगे और वो hit हो जाएगा market में और लोग उसे download करना use शुरू कर देंगे और आप over time रात ही रात एक मेहरान से Mercedes अपने घर ले आएंगे. इस तरह सिर्फ शेख चिल्ली और उनकी स्टोरीज में होता है. आप रियलिस्टिक हैं और हम चाहते हैं कि आप उस पूरे लर्निंग कर्व से गुजरें और देखें कि क्या करने की ज़रूरत है और क्यों करने की ज़रूरत है. इसीलिए अगर आपको PHP MySQL नहीं आती तो वी वुड सजेस्ट कि पहले आप वो सीखें और फिर जाके बाकी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लोर करें. सो इट्स डिफ़िकल्ट टू मेक द राइट WordPress प्लगइन. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट जाती है, इसमें बड़ा टाइम जाता है और आपको साथ साथ अपना बिजनेस मॉडल पता होना ज़रूरी है. सेलिंग कमर्शियल प्लगइन्स इज़ अ बिजनेस. बिल्कुल किसी भी कारोबार की तरह अगर आप एक कमर्शियल WordPress का प्लगइन बनाते हैं तो आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा. आपको देखना पड़ेगा कि ये प्लगइन आप किसको सेल करेंगे, क्यों सेल करेंगे और आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है. जिस तरह मैंने आपको थ्रू आउट दिस कोर्स बताया है कि WordPress इज फॉर फ्रीलांसर्स, WordPress इज फॉर स्मार्ट वर्कर्स, इसी तरह WordPress इज ऑल्सो फॉर एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स लाइक योरसेल्फ, एंटरप्रेन्योर्स हु वांट टू मेक मनी बाय सेलिंग प्लगइन्स. सो अगर आपका बिजनेस मॉडल सही तरह से डॉक्यूमेंटेड नहीं है, देर इज अ वेरी गुड चांस कि योर WordPress प्लगइन विल नॉट बी सक्सेसफुल. एक टूल है जिसका नाम है लीन कैनवस. आई सजेस्ट कि आप कोई भी प्लगइन बनाने से पहले लीन कैनवस का टूल यूज़ करके अपनी टारगेट ऑडियंस को अच्छी तरह से समझें और उनको देखें. इट्स बेस्ट टू स्टार्ट विद फ्री प्लगइन्स. फ्री प्लगइन्स बनाएं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक स्पेशल नीश ऑडियंस को ढूंढें जो कि आपके प्लगइन्स के लिए पे करने के लिए तैयार होगी. और प्राइसिंग के बारे में आपको इतना सोचने की शुरू में ज़रूरत नहीं है, बिकॉज योर जॉब इज़ टू मेक द राइट प्लगइन फॉर द राइट ऑडियंस. बट रिमेंबर, डू नॉट एक्सपेक्ट ओवरनाइट सक्सेस एंड ट्राई एज मेनी आइडियाज एज पॉसिबल. और अगर पॉसिबल हो तो एक टीम बनाएं. टीम के बगैर काम नहीं हो सकता. इफ़ यू वॉन्ट टू गो फार तो यू विल हैव टू मेक अ टीम, एंड दैट्स माई सजेशन, माई टिप फॉर यू. सो अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्लगइन्स को बेचे कहाँ. वट आर सम ऑफ द प्लेटफॉर्म्स जिधर से आप WordPress के प्लगइन्स को अपने सेल कर सकते हैं. सो जिस तरह अदनान की मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, अदनान WP ब्रिगेड को अपनी वेबसाइट पे सेल कर रहे थे, बट देर आर सम ऑफ द मार्केट प्लेसेज एज वेल, जिनमें से सबसे बड़ी मार्केट प्लेस दुनिया की है जिसका नाम है इन्वेटो. Some of the marketplaces that I want to give you an idea about, one is CodeCanyon. CodeCanyon पे आप जाएंगे तो आप plugins खरीद भी सकते हैं और इसी तरह plugins बेच भी सकते हैं. And the other one is called the Mojo Marketplace. So जैसा कि मैंने आपको बताया कि Inveto is the world's biggest marketplace for selling plugins. तो Inveto की एक साइट है जिसका नाम है CodeCanyon. हम उसको सर्च करते हैं और सर्च करके देखते हैं कि इस पे प्लगइन्स आप कैसे सेल कर सकते हैं. सो विल गो टू CodeCanyon. अब CodeCanyon पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें डिफरेंट तरह के कोड्स या प्लगइन्स अवेलेबल हैं जो कि WordPress और नॉन WordPress भी हैं, बट वी आर मोर फोकस्ड इन लुकिंग फॉर WordPress प्लगइन्स. तो हम WordPress पे क्लिक करते हैं, पूरी कैटेगरी है एंड वी लुक फॉर पॉपुलर आइटम्स. तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि स्लाइडर रेवोल्यूशन, WP बेकरी, इस तरह के बहुत सारे प्लगइन्स हैं और इनमें से कुछ प्लगइन्स जो कि एक्चुअली पाकिस्तानी डेवलपर्स ने बनाए हैं, दे आर मेकिंग मिलियंस ऑफ रुपीज़ एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑनलाइन बाय सेलिंग WordPress प्लगइन्स. लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये ओवरनाइट सक्सेस का फार्मूला नहीं है. आपको सीखना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी और
तरीके से by building a team, you will be able to make the right WordPress plugin जिससे आप पैसे बना सकेंगे. एक और चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप Google पे जाके सर्च करें कि selling WordPress plugins on Code Canyon. और इसके बाद you will actually get some information on how to make the right plugin to sell on Code Canyon. Because plugin बनाने का तरीका, plugin बनाने का experience, plugin बनाने का पूरा process is complex. आपने समझना है, आपने देखना है, आराम से साथ साथ हमारे साथ कि कैसे आप plugin बना के पैसे बना सकते हैं. And we hope कि आप में से काफ़ी लोग इसमें सक्सेसफुल हों, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें और पाकिस्तान को इस ग्लोबल उभरती हुई डिजिटल इकोनॉमी का पार्ट बनाएं.